So, your day? बहुत अच्छा आज का दिन। तो और आपका दिन कैसा गुजरा मैं तुमसे मतलब मेरा दिन भी अच्छा ही गुजरा लेकिन मैं तुमसे इंग्लिश में बात करूं, तुम में बात, हमारी है, तो हम बात करेंगे एक दूसरे से इंग्लिश हमारी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है यार शशका पैदा होता है एक ऑफिसिस में बोली जाती है बड़ा सीन होता है यो यो। तो फिर उन लोगों का क्या जिनको इंग्लिश नहीं समझ आती इंग्लिश समझ में हां ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है हाय एवरीवन वेलकम बैक विद अनदर पॉडकास्ट टुडे आवर टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ उर्दू लैंग्वेज अच्छा हियर बेसिकली इसके अंदर आपको क्या लगता है मतलब अकॉर्डिंग टू योर पर्सपेक्टिव हमारे पास हमारी जितनी भी कह लें कि एक कौम है वो लोअर तबके के साथ जब बदतमीज़ी करने पे आते हैं ठीक है hmm. या लोअर तबके के साथ जब झगड़ा करने पे आते हैं तो वो इंग्लिश में बात करना शुरू कर देते हैं स्पेशली जेंट्री ठीक है तो मतलब के आप कह कहने किसी शॉपकीपर के साथ ठीक है यूजली मैंने इस तरह से देखा, देखा है ठीक तो है शॉपकीपर्स के साथ वेटर्स के साथ मतलब उनको वो करने के लिए ना जरा थोड़ा धपकाने के लिए नहीं। नहीं। तो वो फॉरन ही ना इंग्लिश के अंदर उनके साथ कन्वर्सेशन शुरू कर देते हैं मतलब ठीक है आप उनकी गलती के ऊपर अगर आप उनको क्रिटिसाइज कर रहे हो तो वो क्रिटिसिज्म आप अपनी नेशनल लैंग्वेज के अंदर भी कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं ठीक है तो वो वहां पर जो ये लैंग्वेज बैरियर लेके आ जाते हैं ना

ठीक है तो उसके अंदर ये है कि हमें डेफिनेटली कम्युनिटी टू कम्युनिटी अंडरस्टैंड करना है ठीक है कि कहाँ पर मतलब कि लैंग्वेज का सही यूज़ किया जाए इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यस यू आर राइट ठीक है अब मतलब आपने ऑफिस की बात की ठीक है ना अब मैंने मोस्टली केसेस में ये देखा है कि कुछ मतलब लोग जो होते हैं उनको इंग्लिश भी नहीं बोलने आती मतलब है तो exactly, ना exactly. कुछ को ओपन मतलब ही नहीं कर पाते इंग्लिश तो में बात करे कर मैं तो बोल ही नहीं सकता मुझे तो बोलना ही नहीं आता मैं कैसे बात करूंगा तो मतलब यहाँ पे भी एक मतलब कि मैं कहूँगी एक इशू आ जाता है तो वो ना कहीं ना कहीं पे अपने को ना वो आप कह लें उसके लिए क्या एग्जैक्ट एग्जैक्ट वर्ड यूज होना चाहिए इफ आई एम नॉट इंट्रोवर्ट होना शुरू हो जाता है yes, ठीक yes, है यस right. ठीक <laughs> तो वो जो है ना वो अब उसमें एक्सट्रोवर्ट नहीं होता ठीक है तो अब वो सारी चीजें ना उसकी कहीं ना कहीं पर्सनालिटी वो इमेज वो बना देती हैं ठीक है तो दिस इज टोटली रॉन्ग हाँ आप लेकिन यार आप, आप, मेरा मतलब कि मेरी एक पर्सनल एज परसेप्शन है कि हमारे कोर्सेज जो है ठीक है एज एन हमारी पिछली पॉडकास्ट भी रही है नया पाकिस्तान पुराना कोर्स तो कोर्सेज़ मोस्टली हमारे मतलब व्हेन आई वाज इन स्कूल मतलब वहाँ पर मतलब मोस्टली सब्जेक्ट्स जो है ना माशर्तीलूम ठीक है इस्लाम आज चलें ठीक है हमारी इस्लामिक हिस्ट्री वो सी के अंदर अच्छा लगता है और वो सारी चीज़ें ठीक है तो बहुत सारे मतलब ऐसे कोर्सेज हैं जो हमने उर्दू के अंदर मतलब पढ़े हुए हैं

तो जिसकी वजह से मतलब मुझे पर्सनली यार मतलब मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, मतलब इस चीज़ को गैप कैप्चर करने के लिए ठीक है मतलब मैं मैंने मतलब ऐसा नहीं है कि उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ा है, लेकिन आ... जो पीछे से जो कोर्सेज थे और वो जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर मेरी स्कूलिंग हुई है ठीक है फिर कॉलेजेस हमारे कॉलेज इकट्ठा था तो उसके अंदर भी यू नो you know, के उसमें काफ़ी हाँ। सारी इसी तरह की चीज़ें थी ठीक है तो वो एक स्टार्ट से आप कह लें कि वो बिकन हाउस के बच्चे ठीक है वो अब एल के बच्चे अब इस तरह के वो लोग बोलते हैं उनको घरों से भी इस तरह का इन्वामेंट मिलता है ठीक अब है आपने स्कूलिंग की बात की है ठीक है ना चले आपने बोला आप उर्दू मीडियम से नहीं थे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ आई एम फ्राम उर्दू मीडियम स्कूल तो so, <laughs> मुझे पर्सनली मैं आपको सही बताऊँ मुझे बहुत बहुत, बहुत ज़्यादा मतलब मेरे लिए डिफ़िकल्ट था कि एक उर्दू मीडियम से इंग्लिश में आना ठीक है yeah. मैंने ऑल द टाइम फोर वन टू टेन मैंने उसका हर सब्जेक्ट मेरा उर्दू में था बायो केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ सब कुछ उर्दू में था मेरा it's, ठीक है इट्सटिंग <laughs> ये बात इनको भी आज पता चल रही है ऐसे yeah. मैंने बोला था मैं उर्दू मीडियम से लेकिन मैंने इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी तो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट था उसके बाद मैं में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वो बायो इंग्लिश है मैं तो इतना रोती होती थी इतना रोती होती थी मैं इससे नहीं पढ़ा जा रहा मुझे नहीं इंग्लिश समझ आ रही है मतलब तो आप उठे और... आ रहे हैं और, और फिर आइंस करने में <laughs> आइंट्स करने में इतने ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं ना फिर तो जिन बेचारों ने बाहर जाना होता है मतलब हमारी फैमिली के एक दो <laughs> मतलब दे आर लव दे आर लव ठीक है लेकिन वही बात है कि इस तरह के फिर इशूज मतलब मैं अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें मैंने काफी मतलब कंट्रीज के बारे में रिसर्च किया कि उन्होंने अपनी ही नेशनल लैंग्वेज में ही इतनी तरक्की की है कि उनको मतलब जरूरत point, point, नहीं point, पड़ी। point, point, point. यहाँ पर मैं जरा थोड़ा सा इसमें इंक्लूड करना चाहता हूँ ठीक है वहाँ पर जो अरबी है ना वो बहुत फ़खर से कॉलर ऊपर करके मतलब जो उनका कंदूरा होता है जो उनका नेशनल ड्रेस है इवन है। वो अपने नेशनल ड्रेस को भी फॉलो कर रहे हैं अपनी नेशनल लैंग्वेज़ को फॉलो कर रहे हैं मतलब डेवलप्ड कंट्री वन ऑफ़ मोस्ट मतलब टॉप डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर वो यूएई आ रहा है ठीक है हर जगह पे अरबिक के अंदर बुर्ज खलीफा मतलब जो मेट्रो की वो जो उनकी ट्रेन है ना ठीक है अलमहत्तम का अल बुर्जुनारिया मतलब ये मुझे इस तरह की वो, वो, वो एंटरटेन करते हैं अपनी लैंग्वेज को दूर तक लेके जाते हैं यहाँ पर कुछ उर्दू में है ना ज़्यादातर बातचीत मतलब खुद के हमारे नेशनल्स बात चीत करना पसंद नहीं करते वो हवा में उड़ते हैं वो इस तरह से मतलब इन चीज़ों को लेके ठीक है दैट इज़ रॉन्ग ठीक है आपको आना चाहिए सही लैंग्वेज का सही यूज़ आना चाहिए और वो मतलब अरबी सीधा सीधा कहता है ठीक है आ, वो उसमें क्या एग्जैक्ट वो कहता है कि यार माफ़ी इंग्लिश माफी इंग्लिश माफ़ी उर्दू या लहबी भी माफ़ी तो वो मतलब एक शडअप कॉल देता आपको, है आपको ठीक है उसमें तो ये भी एक तरक्की की एक निशानी है कि बोलो उन लोगों ने अपना जो बेस है वो नहीं भूले ठीक है वो कह लें कि वहाँ पर बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं सारा कुछ होता है तो उनको लेकिन हमें ज़रूरत पड़ती है ठीक है मतलब बिन, मतलब मैंने एजेंसी में काम किया है ठीक है उसमें तो वहाँ पर जब हमें अ, अदर कंट्रीज़ के अ, उनके साथ इंट्रैक्ट करना पड़ता है तो हमें इंग्लिश के अंदर बात करनी पड़ती है ठीक है तो वो सारी चीज़ें तो वो होनी चाहिए आई थिंक आपकी पर्सनैलिटी भी बिल्ड होती है क्योंकि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है इस इसको आप डिनाई नहीं कर सकते इस चीज़ को ठीक है आपकी फिर स्कूलिंग बायर आपकी फिर यूनिवर्सिटीज़ आपके ऑफिस ठीक है आपकी वो अच्छी एक उस तरफ लेके जाती है लेकिन इसको बिल्कुल उन चीज़ों पे मतलब ना करें यार जिनके साथ लाइफ में इसको ना नहीं पर्सनल लाइफ में करें मतलब जिस जो मैंने केस पहले बताया ना कि वो शॉपकीपर्स के साथ वो इस तरह की हरकतें ना करें यार मतलब दिस इज़ रॉन्ग ये मतलब बात वही आ कि हमें अपनी को इतनी दी ही नहीं exactly. लोग के, 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 तो तो के, के अंदर भी वो आ जाता है जब आप इस तरह से रिएक्ट करते हो ठीक है तो बेसिक एथिक्स इंसान को आई थॉट नहीं भूलना चाहिए लेकिन जो एक फील है ना मतलब मुझे मतलब अपने बेटे के साथ जो फील आता है मेरा <laughs> मतलब वो यार उसके साथ मुझे वो मतलब हाउ फीलिंग कैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं ये तो चीजें नहीं, नहीं नहीं ये चीजें नहीं ये हर किसी को फील आता है ये नहीं है कि गोरों को फील नहीं आता या वो सारी चीजें उन्हें भी फील आता है वो सारी चीजें लेकिन वो अपनी लैंग्वेज के अंदर ये चीजें अच्छी लगती है ठीक है मतलब ट्राई टू एजुकेट योर चिल्ड्रन मतलब उसमें उनके साथ बेशक आप डेली वेजेस पे इंग्लिश के अंदर बात करें छोटी छोटी चीज़ें सिखाएं ऑल्दो ये कम्युनिटी और सोसाइटी का पार्ट है ठीक है और इसको लेके चलना है और अच्छी बात है इट्स गुड

क्योंकि वो एक हमारी बड़ी ख़ूबसूरत ज़ुबान है ठीक है कायद अजम मतलब के वो बड़े एजुकेटेड और वो सारा हम बाबा कौम की एग्ज़ाम्पल लेते हैं ना ठीक है वो उन्होंने भी इंग्लिश में स्पीचेस की हैं लेकिन जो उनका उर्दू के अंदर वो टका था और वो सारी उन चीज़ों को ले कर तो मच अप्रिशिएटेड तो आई थिंक दैट्स ऑल अगर आपको वीडियो पसंद आई होगा लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने रिव्यूज़ हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग क्या प्रेफर करते हैं उर्दू को अहमियत देते हैं या इंग्लिश को अहमियत देते हैं अहमियत <laughs> इम्पोर्टेंसट <laughs> <एम्यार, importance. laughs>